हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये जेंट्स जर्सी का डिज़ाइन आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, इसमें हमने ये देखिए यहाँ पर जिप लगाई है इस तरीके से, और इसमें हमने पॉकेट लगाई है। ये देखिए फ्रंट पॉकेट हमने इसमें लगाई है। तो आज हम इसका डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये देखिए, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 29 इंच है, और ये देखिए जो इसकी चौड़ाई है 22 इंच है। तो फ्रेंड्स, ये जो जर्सी का डिज़ाइन है ये हम XL साइज़ के लिए है, उसके लिए बना रहे हैं। तो आप अगर इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, ये जो जिप लगवाई है ये हमने मार्केट में लगवाई है, अपने आप ये अच्छी तरह से नहीं लग पाती, इसलिए हमने इसको टेलर से लगवाया। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम जर्सी बना रहे हैं इसके लिए हमने ये पीछे का पार्ट बना लिया है। पीछे के पार्ट में हमने यहाँ पर बॉर्डर में 115 फंदे डाल लिए। 115 फंदे डालने के बाद हमने ये देखिए 2.5 इंच का बॉर्डर तैयार किया। बॉर्डर तैयार करने के बाद हमने इसमें 15 फंदे ऊपर बढ़ा लिए। बॉर्डर के बाद 15 फंदे बढ़ाने के बाद हमने इसमें सिलाई भी बदली। बॉर्डर हमने बनाया थोड़ी सी मोटी ऊन है 11 नंबर की सिलाई से, और ऊपर वाला पार्ट जो बनाया हमने 10 नंबर की सिलाई से। तो बॉर्डर के बाद ये देखिए, ये 20.5 इंच की हमने इसकी यहाँ तक लेंथ रखी। 20.5 इंच निकालने के बाद हमने इसके जो ये मुड्ढे हैं इनकी घटाई की। ये देखिए, यहाँ से मुड्ढे घटाने के लिए हमने पहले 5 फंदे, हर तीसरी सिलाई में फंदे घटाए, पहले 5 फंदे घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 3, 2 और 1। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर घटाई की, और घटाई हमने करने के बाद ये देखिए हमने इसको 11 इंच इस तरीके से हम इसको नापेंगे। ये देखिए 11 इंच तक हमने इसको बना लिया है, और ये बीच में हमने गला घटाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीछे वाले पार्ट में गला घटाया है। ये देखिए हमने कैसे घटाया, हमें यहाँ पर लास्ट में टोटल 30 फंदे रखने हैं, तो हमें ये गोलाई देने के लिए एक्स्ट्रा फंदे रखेंगे। पहले हमने यहाँ पर फंदे घटाए, 38 फंदे हमने यहाँ पर रख लिए, और 38 हमने दूसरी साइड रख लिए। फिर हमने 38 फंदे रखने के बाद हर तीसरी सिलाई में 2-2 फंदे घटाए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर गुलाई आ गई, और यहाँ पर हमने लास्ट में दोनों साइड 30-30 फंदे रख लिए। यहाँ पर ये गला घटाने के बाद हमें 10 सिलाइयाँ और बुननी है, तो ये हमारा इस तरीके से पीछे वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके आगे वाला पार्ट है। हमने इसमें यहाँ पर बॉर्डर में 58 फंदे डाल लिए, और 58 फंदे डालने के बाद इसका हमने बॉर्डर तैयार कर लिया। पीछे जितना बॉर्डर हमने पीछे का बनाया उसे नाप लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम ऊपर सिलाई बदल लेंगे। 10 नंबर की सिलाई इसमें हम लगा लेंगे, बॉर्डर हमने 11 नंबर की से बनाया। उसके बाद इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे इसमें हमने 8 फंदे बढ़ाए, टोटल हमारे ऊपर 66 फंदे हो गए। और ये देखिए 66 फंदे होने के बाद 1 इंच हमने इसको बना लिया। 1 इंच बनाने के बाद इसमें हमने पॉकेट के फंदे उठाए, वो हम बताएंगे आपको वो कैसे उठाए। और ये देखिए 7 इंच की हमने लगभग पॉकेट तैयार की है। जेंट्स जर्सी है इसलिए हम इसमें लंबी सी पॉकेट लगाएंगे। और यहाँ पर ये पट्टी हमने, ये देखिए चैन पट्टी है,
इसे हम बटन पट्टी तो नहीं कहेंगे, चैन लगाएंगे तो चैन पट्टी। ये इसके हमने आठ फंदे, जैसे हमने बॉर्डर बनाया इसी तरीके से हमने आठ फंदे इसके बुन लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे इसमें हमने जो बुनाई डाली वो। और ये देखिए बॉर्डर हमने कैसे बनाया, ये बॉर्डर जो है बिल्कुल भी लूज नहीं होता है, ये देखिए थोड़ा टाइट रहता है। तो हम आपको बताएंगे बॉर्डर हमने कैसे बनाया। ये देखिए अब हम आपको बताते हैं हमने बॉर्डर कैसे बनाया। फर्स्ट फंदा हमने सीधा बुन लिया, सेकंड भी हमने सीधा बुन लिया। अब हम उल्टा फंदा ये स्किप करेंगे, इसको हम नहीं बुनेंगे। ये देखिए स्किप करेंगे, धागा अपनी साइड लेंगे और फिर धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, यानी हमें उल्टे फंदे नहीं बुनने हैं सीधी सिलाई में, सारे फंदे हमें स्किप करने हैं और सीधा फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने उतार लिया, सीधा फंदा हमने बुन लिया, धागा अपनी साइड लेंगे, ये फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा हम बुन लेंगे। इस तरीके से हमने इसका बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर फ्रेंड्स बिल्कुल भी लूज नहीं होता है, देखिए। और ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये इसकी दूसरी सिलाई है, पहला फंदा उल्टा, सीधे को हम सीधा बुन लेंगे और उल्टे को उल्टा। इस दूसरी सिलाई में हमें सारे फंदे बुनने हैं। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अपना हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। सीधी सिलाई में हम एक फंदा स्किप करेंगे उल्टे वाला, और उल्टी सिलाई में हम सारे फंदे बुन लेंगे। इस तरीके से बॉर्डर तैयार होने के बाद अब हम देखते हैं बुनाई हमने कैसे डाली। ये जो पैटर्न है 12-12 फंदों का पैटर्न है, इसमें हमने 24 फंदे 12 के मल्टीपल में लेकर और 4 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, ये फर्स्ट रो है। धागा पीछे लेंगे, 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। धागा अपनी साइड लेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे की साइड लेंगे, 8 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे। धागा अपनी साइड लेंगे, ये लास्ट के 4 फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुन लेंगे, उल्टा बुन लिया। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। ये देखिए ये सेकंड रो है, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 8 फंदे उल्टे, यानी हमें जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनना है और जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है, और ये सेकंड रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। पहली सिलाई में हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, इस सिलाई में हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। ये देखिए धागा पीछे करेंगे और ये एक उल्टा फंदा है, एक सीधा, सीधे वाले को हम आगे लेकर आएंगे। ये देखिए पहले हम सीधे वाले को बुनेंगे, बुनना हमें सीधा ही है, और फिर हम उल्टे वाले को बुनेंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमें सीधी ही बुननी है, फिर सीधे फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए ये 8 फंदे सीधे थे, अब लास्ट वाला हमारा जो सीधा फंदा है इसे हम यहाँ पर लेकर जाएंगे और उल्टे वाले को हम पीछे लाएंगे।
तो हम पीछे को सिलाई डालकर उल्टे वाले फंदे को हम पहले बुन लेंगे और सीधे वाले को हम बाद में बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा इस साइड को और एक इस साइड को। फिर जो उल्टे फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे, दो फंदे बचे इनको हमने सीधा बुन लिया। अब ये एक फंदा उल्टा बचा, ये देखिए, इसके आगे हम जो सीधा फंदा है इसे लेकर आएंगे और इसके बाद में हम ये उल्टे वाले फंदे को बुन लेंगे। ये देखिए, बीच वाले फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, अब ये एक फंदा सीधा और एक उल्टा, तो सीधे वाले फंदे को हम पीछे लेकर जाएंगे और उल्टे वाले को हम पहले। तो हम सिलाई पीछे को डालकर, ये देखिए, ये हमने इस तरीके से बुन लिया, बाकी फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। देखिए, ये जो बीच में है, देखिए, सीधे सीधे फंदे हैं, इसमें से एक फंदा हम इस साइड लेंगे और एक इस साइड लेंगे। तो ये देखिए, अब हम फोर्थ सिलाई बनाएंगे। पूरी रो हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए, ये फोर्थ सिलाई हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए, अब हम फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, दूसरा और ये तीसरा, तीन फंदे उल्टे ये हमने बुन लिए। अब ये देखिए, जो फंदे हमने पलटे थे ये दो फंदे हैं, एक उल्टा लिया था और एक सीधा, ये दोनों हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, ये पांच फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। छः फंदे हमने बीच वाले सीधे बुन लिए, धागा अपनी साइड लेंगे। ये देखिए, दो फंदे जो पलटे थे ये हैं, एक, दो, तीन, चार और दो फंदे ये पलटे हुए इस साइड वाले, पाँच और ये छः। ये छः फंदे उल्टे हो गए, छः सीधे छः उल्टे। यहाँ पर भी हम छः फंदे सीधे बुनेंगे, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। धागा अपनी साइड लेंगे, दो फंदे जो पलटे हैं इनको भी उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाले तीन फंदे हैं इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, फिफ्थ सिलाई है। अब हम सिक्स्थ सिलाई बनाएंगे। जो फंदे उल्टे बुने थे उन्हें हम उल्टा बुनेंगे और जो सीधे बुने थे उन्हें हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, छह फंदे उल्टे थे, छह फंदे सीधे थे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा हम बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सेवन्थ रो बनाएंगे। ये हम सीधे ही बुनेंगे, उल्टे फंदे भी और सीधे फंदे भी। ये देखिए, चार फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा है और एक सीधा। ये सीधे वाला फंदा हम आगे लेकर जाएंगे। ये देखिए, फिर हम चार फंदे सीधे बुन लेंगे। सीधा सा तरीका ये है फ्रेंड्स इसका, जो फंदे सीधे हैं उन्हें हमें दोनों साइड आगे लेकर जाना है। ये देखिए, ये सीधा फंदा है, इसे हम आगे लेकर जाएंगे तो हम सिलाई पीछे को डालेंगे और उल्टा फंदा हम पहले बुन लेंगे, बाद में हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर दो फंदे ये आ गए, एक सीधा एक उल्टा। पहले हम सीधा बुनेंगे। देखिए, ये सीधे वाला फंदा हम यहाँ पर लेकर आएंगे।
बाकी बचे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7th रो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। 8th रो हम पूरी उल्टी बुन लेंगे, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 8th रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम 9th रो बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये सीधे जो फंदे हैं इनमें से एक एक फंदा कम होता जाएगा फ्रेंड्स। 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए धागा अपनी साइड लेंगे। 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 धागा पीछे लेंगे। 4 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड लेंगे और बाकी के जो बचे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब उल्टी सिलाई में हम जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा लेंगे और जो सीधे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसमें 11वीं सिलाई बनाएंगे। देखिए ये फंदा हमने पलट लिया, 2 फंदे बचे हमारे सीधे। ये देखिए एक फंदा हमने इस साइड को बदल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी हम जो फंदे बचे हैं इन्हें भी इसी तरीके से बुन लेंगे। 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे रह गए और उल्टी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए 12 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये 13वीं सिलाई है। इसे हम ये देखिए जो फंदे उल्टे हैं 2, 2, 4, 6, 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 2 फंदे सीधे, यहाँ पर आएंगे हमारे 10 फंदे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 धागा पीछे लेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड हम उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 14 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 15वीं सिलाई बुनेंगे। ये फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमारे बचे हैं लास्ट में, ये सीधे सीधे, इनको भी हम पलट लेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने पलट लिए, ये फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे इनको पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो 15वीं सिलाई है वो कंप्लीट हुई। ये देखिए अब 16वीं सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे पीछे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 16 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है और ये डिजाइन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम यहाँ पर डिजाइन चेंज करेंगे। ये देखिए जो उल्टे उल्टे फंदे हैं इनके ऊपर अब सीधे फंदे आएंगे। ये वाला डिजाइन अब यहाँ पर आएगा, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे।
ये देखिए जो ये चार फंदे हमने लास्ट में पलटे थे, देखिए 1 2 3 4 ये चार फंदे, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे लेंगे, ये बीच में फंदे हैं 8, इनको हम सीधा बुन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा अपनी साइड लेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे जो हमने पलटे थे, धागा पीछे लेंगे, बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई में हम उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब हम यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ से किया था, उल्टे के ऊपर सीधे फंदे और सीधे के ऊपर ये इस तरीके से उल्टे फंदे आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइन हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें जो है पॉकेट के फंदे उठाएंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 और 14 14 फंदे के बाद यहाँ पर हम पॉकेट के फंदे उठाएंगे। ये देखिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, जो सिलाई में फंदे हैं इससे सेकंड जो रो है इसके हम फंदे उठाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम बाद में फंदे उठाते हैं तो कई बार वो सीधे नहीं उठ पाते, तो इसलिए हम यहीं से ये देखिए हम पतली सिलाई लेंगे नोक वाली, इससे फंदे उठाने में आसानी होगी। ये देखिए एक एक फंदा हम हर फंदे के ऊपर से एक एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने उल्टी साइड ये 32 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इनको सिलाई में ऐसे ही छोड़ देंगे और सबसे पहले हम ये आगे वाला जो पार्ट है इसको हम पूरा करेंगे और इसकी लेंथ हम यहाँ से 6.5 इंच तक इसको बुन लेंगे जहाँ से हमने पॉकेट के फंदे उठाए हैं, और इसके बाद हम आगे पॉकेट की घटाई करेंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं 6.5 इंच बनाने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने जहाँ से फंदे उठाए थे पॉकेट के यहाँ से 6.5 इंच बुन लिया है। अब इसकी हम पॉकेट का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए जो चैन पट्टी है इसके फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए ये हमें जहाँ जितने फंदे हमने यहाँ से उठाए थे 14 फंदे के बाद, तो 14 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। ये 14 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे पॉकेट का, 32 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 29 30 31 32 ये देखिए तो ये 32 फंदे हमने वे बुने हैं जो जितने फंदे हमने पीछे पॉकेट में
उठाए थे उसी हिसाब से हमने 32 फंदे ये उल्टे उल्टे बुन लिए हैं बॉर्डर के लिए। अब हम आगे अपना डिजाइन कंटिन्यू रखेंगे। डिजाइन में जो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं उल्टे बुनेंगे और जो सीधे बुनने हैं सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से हम ये 32 फंदे 4 सिलाइयों तक उल्टी सिलाई में भी हम इनको उधर से सीधा बुनेंगे और इस साइड से उल्टा, तो उल्टे उल्टे हम बुन लेंगे, 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट का बॉर्डर है, 3 सिलाई इस पर हमने बुन ली है, ये देखिए। और इसके पास में हमने ये डिजाइन भी सेट किया है। डिजाइन आप नीचे से देखकर साइड से देखकर बना लीजिए। ये बॉर्डर बनाने के बाद इधर डिजाइन इधर से अगर आप शुरू करें तो ये देखिए कि अपने आप डिजाइन सेट हो जाएगा, या आप नीचे से देख लीजिए। तो जहाँ जो फंदा जैसा बने ऐसा बना लीजिए। और ये फंदे उल्टे उल्टे, ये देखिए ये पॉकेट का बॉर्डर है। अब हम ये चौथी सिलाई बुनेंगे बॉर्डर की। धागा पीछे लेंगे, ये उल्टी साइड है और हमने ये जो बॉर्डर है ये सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुना है। तो देखिए एक फंदा बुन लिया, दो और तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए। चौथी बार हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा कम हो गया, फिर हम तीन फंदे बुनेंगे। ये देखिए फिर हम चौथा फंदा दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए फिर तीन फंदे बुनेंगे, फिर हम दो फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए तीन फंदे बुन लिए, फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे। चौथा फंदा हमें दो का एक करना है। ये देखिए लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बॉर्डर की चौथी सिलाई में हमने फंदे घटाए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से घटाने से क्या फ़ायदा है। ये देखिए ये हमने दूसरी पॉकेट इसकी बना कर रखी है। इस तरीके से घटाने से थोड़ी टाइट हो जाती है, वरना ये खुली खुली रहेगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो पहली घटाने से पहली सिलाई पर हम ये फंदे घटाएंगे, ये पूरी सिलाई घटाने से पहली सिलाई पर, ये देखिए। और इस तरीके से ये बॉर्डर जो है इसका टाइट रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमने ये फंदे घटा लिए, अब ये हम यहाँ तक बुनकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टी सिलाई हमने बुन ली थी, अब हम ये सीधी सिलाई यहाँ तक ये 14 फंदे बुन लिए। अब हम ये जो पॉकेट के बॉर्डर है इसके फंदे घटाएंगे। ये 32 फंदे हैं, इनमें हमने पिछली सिलाई में कुछ फंदे घटा दिए थे। तो पॉकेट के जो बॉर्डर है इसका एक फंदा हम बुन लेंगे। धागा अपनी साइड ही रखेंगे। एक फंदा हमने बुन लिया जो पॉकेट वाली बॉर्डर थी, इसका एक फंदा हमने बुन लिया। फिर हम दो का एक करेंगे। ये देखिए दो को एक करने के बाद धागा थोड़ा टाइट ही रखेंगे, नहीं तो ये बॉर्डर थोड़ा खुला खुला रहता है। देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर हम घटाएंगे। अब हम यहाँ पर टोटल 30 फंदे घटाएंगे, 32 में से 30 घटा लेंगे हम। कुछ हम पहले घटा चुके, जो बचे थे इनको अब घटा लेंगे और दोनों साइड हम एक एक फंदा रख लेंगे।
देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने घटा लिए, ये बॉर्डर का फंदा है। एक हम यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर एक फंदा रख लेंगे और पूरी रो बाकी जो हमने डिजाइन है उसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट और साइड वाले फंदे हमने बुन लिए। अब हम इनको इसी सिलाई में ऐसे ही छोड़ लेंगे और जो ये फंदे हमने देखे ये उठाए थे इनको हम बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फंदे उठाए थे, अब हम इनको बुन लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई वही यूज करेंगे जो हमने बाकी स्वेटर में यूज की है, मोटी 10 नंबर की। इसको हम उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा सिंपल बुनेंगे। इसमें हम डिजाइन नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से बुन लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें उल्टे की साइड उल्टा और अंदर की साइड हमें सीधा बुनना है और इसके बराबर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको इसके बराबर बना लिया है। ये देखिए, इसके बराबर बनाने के बाद अब हम इसको एक सिलाई में लेंगे। ये देखिए कैसे लेना है। सबसे पहले हम ये वाले फंदे जो हैं इनको बुन लेंगे। देखिए ये फंदे हम एक फंदा छोड़कर बाकी सारे फंदे बुन लेंगे। एक फंदा हमें छोड़ लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने बुन लिए हैं। हम अपनी बुनाई के हिसाब से 6 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे इस तरीके से हमने इनको बनाया है। तो ये देखिए, चार फंदे यहाँ पर हमारे ये डिजाइन वाले सीधे आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये दो फंदे, एक फंदा इसका पहले वाला और ये लास्ट वाला, हम एक साथ दो का एक कर लेंगे, इनको एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने जोड़ दिया, ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। एक फंदा हम और करेंगे। ये देखिए 6 फंदे सीधे हो गए, 6 फंदे सीधे बुन लिए, 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे क्योंकि अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बुनेंगे। 6 फंदे उल्टे हो गए, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 6 फंदे सीधे हो गए। अब हमें एक फंदा छोड़कर, ये देखिए एक फंदा हम छोड़ लेंगे और ये सारे फंदे इसी तरीके से बुन लेंगे जैसे हमारे बुनाई के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको हमने एक सिलाई में कर लिया है। अब ये लास्ट फंदा हमारा, एक फंदा बचा है, इसको हम इसके साथ बुन लेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, इन्हें घटा देंगे एक साथ। देखिए इस तरीके से, और ये देखिए आप
ये पॉकेट। इस तरीके से हमने इसको बना लिया बिल्कुल। ये देखिए दिखाई भी नहीं दे रही है और बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। बाद में हम इसको दोनों साइड से, ये देखिए काफ़ी अच्छी बड़ी बनी है, इधर से सिलाई लगा लेंगे और इधर से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका दूसरे वाला पार्ट है। ये हमने, ये देखिए यहाँ पर इसके मुड्ढों की कटिंग की है। जितना हमने पीछे वाले पर मुड्ढों की कटिंग की है, उसके नाप लेने के बाद जैसे हमने पीछे वाले घटाए थे, इसी तरीके से ये घटा लेंगे। ये देखिए ये घटाने के बाद आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे और जब हमारा ये 7.5 इंच इससे ऊपर बन जाए, ये देखिए इसकी लेंथ हमने 11 इंच रखी है, तो 7.5 इंच के बाद हम इसका यहाँ पर ये गला घटाएंगे। ये देखिए ये हमने इसका गला घटाया है। जो ये चैन पट्टी है, इसके फंदे हम बिना बुने ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिना बुने उतार लिए। फिर यहाँ पर हमने ये 8 फंदे थे चैन पट्टी के, 8 फंदे हमने पहली सिलाई में यहाँ पर घटाए, 7 हमने दूसरी सिलाई में घटाए, सॉरी तीसरी, पहले 8 घटाए फिर तीसरी सिलाई में हमने 7 घटाए और उसके बाद ये देखिए हमने एक एक फंदा घटाया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर कितनी अच्छी गोलाई आई है। एक एक फंदा घटाने के बाद जितना हमारा पीछे वाला पार्ट है उसके हिसाब से हमने इसे नाप कर ये बना लिया और यहाँ पर हमने ये देखिए 30 फंदे रख लिए। अब हम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बनाएंगे, इसे हम जोड़ेंगे पीछे वाले पार्ट के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम सीधी साइड जो पार्ट है इसका, इसको हम अंदर लेंगे और उल्टा हम बाहर की साइड लेंगे। ये देखिए अब हम इसको जोड़ देंगे, ये चैन पट्टी अंदर की साइड है। अब हम इसे सिलाइयों से जोड़ेंगे क्योंकि सिलाइयों से जोड़ने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए एक फंदा इसके साथ लेकर 2 फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए फिर ये 2 फंदे दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और ये फंदा इसके साथ, यानी हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए फिर हम दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेंगे और एक फंदा ये, 3 फंदे एक साथ बुन लेंगे। फिर दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा और तीसरा ये, एक साथ इनको बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कंधों के यहाँ से जोड़ लिया है और ये देखिए और इसका गला है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने तीनों पार्ट जोड़ लिए हैं। ये देखिए अब इसका हम गला बनाएंगे। बाजू हम बाद में सिलेंगे इसकी, क्योंकि बाजू सिलने के बाद बहुत भारी हो जाता है, इसलिए बिना बाजू के इसको हम पहले गला बनाएंगे, वो थोड़ा इजीली हो जाता है। ये देखिए ये फंदे जो हैं इनको हम सिलाई में ले लेंगे। जो चैन पट्टी के फंदे हैं देखिए, इनको हमने सिलाई में ले लिया। अब हम फंदे उठाएंगे, सीधी साइड से हम अंदर की साइड को, ये देखिए सीधी साइड से फंदे उठाएंगे। ये देखिए 8 फंदे हमने ये उतार लिए सिलाई में। अब हम यहाँ पर 52 फंदे और उठाएंगे। टोटल हमें एक साइड से, ये देखिए एक साइड से हमें 60 फंदे उठाने हैं, 60 इस साइड से, 60 पीछे से और 60 हम इस साइड से उठाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम 60 फंदे उठा लेंगे, तीनों साइड से 60-60, और एक ही सिलाई में हम ये पूरे फंदे उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फंदे हमने उठा लिए हैं। और सॉरी फ्रेंड्स पहले मैं बताना भूल गई, फंदे हमने 12 नंबर की सिलाई से उठाए हैं। अब हम इसका गला बनाते हैं। देखिए जो फंदे हमने ये चैन पट्टी के उल्टे सीधे बुने थे, इनको हम उल्टा सीधा ही बुन लेंगे दोनों साइड से। पहले हम धागा आगे लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ये फंदे सिलाई में ले लेंगे। देखिए अभी धागा हमने यहाँ पर जॉइंट किया है। अब धागे को हम आगे लेकर आएंगे। एक फंदा हमने इस साइड और एक इस साइड को इसके फंदे के आगे पीछे हम घुमाकर, देखिए इस तरीके से इसको आगे लेकर आएंगे। देखिए अब हम ये चैन पट्टी के 8 फंदे बुन लेंगे। उल्टे को हम उल्टा बुनेंगे और सीधे को सीधा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने उल्टे सीधे बुन लिए। अब हम बाकी जो फंदे हैं, देखिए जो बाकी फंदे हैं इनको हम उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुन लेंगे 3 सिलाई। और जो लास्ट के चैन पट्टी के फंदे हैं उन्हें हम उल्टा सीधा बुन लेंगे। बीच के 3 सिलाई हम उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये 3 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी कंप्लीट कर ली हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब हम इसके ऊपर का गला बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, जैसे हमने बॉर्डर बनाया है आगे से हम जो ऊपर वाला पार्ट है इसका गले का वो बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरीके से बुनेंगे। और जहाँ से हमने फंदे उठाए हैं वहाँ से हम लगभग इसको 2.5 इंच बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे घटा देंगे। ये देखिए ये इसका सीधे वाला पार्ट है। सबसे पहले हम 2 फंदे घटाएंगे, इसके बाद हम 3 फंदे घटाएंगे। ये देखिए ये फंदा वापस सिलाई में लेंगे और 3 फंदे एक साथ घटा लेंगे। ये देखिए फिर वापस सिलाई में लेंगे, फिर 3 फंदे एक साथ घटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको घटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसका गला हमने घटा लिया है। ये देखिए कितना परफेक्ट इसका गला बना है। देखिए इस तरीके से घटाने से, ये 3-3 फंदे घटाने से देखिए कितना सुंदर गला बना है। अब हम इसकी बाजू बताएंगे आपको कि हमने इसकी बाजू कैसे बनाई। ये देखिए इसकी बाजू है। बाजू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 54 फंदे सबसे पहले डाले और इसका एक बॉर्डर हमने बना लिया, जैसे हमने जर्सी का नीचे वाले पार्ट का बनाया था। उसमें बॉर्डर बनाने के बाद
पहली सिलाई में हमने पहले सिलाई बदली, उसके बाद हमने तीन फंदे इधर बढ़ाए, तीन फंदे हमने इधर, पहली सिलाई में हमने छः फंदे बढ़ा लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई में हमने फंदे बढ़ा लिए, उसके बाद हम छः सिलाई बुनेंगे और हर छठी सिलाई में एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। हर छठी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते रहेंगे और ये डिजाइन हम, ये देखिए, सबसे पहले हम डिज़ाइन देख लेंगे, उसी हिसाब से आगे का डिज़ाइन इस साइड का भी और इस साइड का भी सेट कर लेंगे। और ये देखिए इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है, इसकी टोटल लेंथ 23.5 इंच है। आप अपने हिसाब से इसे नाप लेकर बना सकते हैं, जैसा भी पहनने वाले का हिसाब हो उसी हिसाब से। और ये देखिए यहाँ पर इसको हमने घटाया है। सबसे पहले हमने जैसे जो स्वेटर जर्सी है उसका हमने यहाँ पे मुंडा घटाया था, 5 4 3 2 1, उसी हिसाब से यहाँ पर हमने घटा लिया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे घटाए सबसे पहले, फिर तीसरी सिलाई में 9 फंदे घटाए, फिर हमने 10 फंदे घटाए, फिर 11 घटाए, इसी हिसाब से हमने इसको घटाया है। और ये देखिए इसकी जो कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे जो फंदे 15-20 फंदे जो लास्ट में यहाँ पर बीच में बचेंगे, ये देखिए जो बीच में हमारे बचते हैं यहाँ पर घटा लेंगे। इस तरीके से हम ये बाजू तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरीके से इसको सिलेंगे। सबसे पहले ये देखिए हमने इसको अंदर की साइड मोड़ लिया, ये उल्टा है और अंदर इसके सीधे वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मोड़ लिया और इसके बीचों बीच से हम इस तरीके से ये देखिए सुई निकालेंगे, ये बीच है बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सीधा और ये उल्टा, जहाँ से हमने ये सुई देखिए ये निकाली है और जहाँ पर हमने ये जर्सी के मुड्ढों की सिलाई की है, ये देखिए आपस में इनको जॉइंट किया है, यहाँ पर हम ये इसको देखिए इसको मैच करेंगे और यहाँ से हम ये सुई निकाल लेंगे। ये देखिए एक बार और सिलाई लगाएंगे, ये देखिए अब हमने बीच से इधर को सिलना है एक साइड, ये देखिए ये हमने सिल लिया, इसके बाद हम इसको सिलेंगे यहीं से बीच से, हम दोबारा इस साइड को सिलेंगे, यानी हमें इसके जो सेंटर है बाजू वाला इसके एक साइड इधर को सिलाई करनी है और एक साइड इधर को सिलाई करनी है। इससे हमारा क्या फ़ायदा है कि अगर हमारा कोई पार्ट छोटा या बड़ा थोड़ा है तो हम एक को थोड़ा लूज़ कर लेंगे और एक को थोड़ा टाइट कर लेंगे, इससे हमारा ये जो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलने से जो हमारी बाजू है दोनों का हिस्सा एक सार आएगा, इधर भी और इधर भी, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसको सिलने के बाद हम पूरी जर्सी अपनी सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने सिल लिया है और यहाँ पर ये देखिए इसमें हमने ये जिप लगवा ली है, इसको हमने मार्केट में टेलर से लगवाया। और ये देखिए इसका गला कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा गला बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डिज़ाइन पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।